अब प्रॉपर्टीज की बात करें जीटी ऑनलाइन में तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन सारी आपको लेनी है ऐसा नहीं है, बिकॉज इनमें से काफी सारी प्रॉपर्टीज ऐसी है जो कि वेस्ट ऑफ मनी है एंड आपको इनसे दूर रहना है। अगर आप बिगिनर हो तो भाई आपको 200 किलोमीटर इनसे दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो आपके ये बहुत सारे पैसे बर्बाद करके रख देगा अगर आपने सही से अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए, एक्स्पेशली बिगिनिंग में। एंड बाद में जाके आप जो है वो मे बी इन प्रॉपर्टीज को कंसीडर कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता बिकॉज बाद में भी ये प्रॉपर्टीज एकदम मुझे वेस्ट लगती है। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा ये कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो वीडियो को एंड तक देखना। बात करते सबसे नंबर वन प्रॉपर्टी की, तो वो है अरीना वॉर्स। अब जब अरीना वॉर्स लॉन्च वो होने से पहले, मतलब एक दो दिन पहले या फिर एक 15 दिन पहले, बहुत ज़्यादा हाइप बनी थी कि अरीना वॉर्स आने वाला है एंड बहुत ज़्यादा बड़ी मतलब डीएलसी होने वाली है, मज़ा आएगा भाई, कार सारी ये नहीं ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है ये सब तो भाई चलता ही रहता है हर एक डीएलसी के साथ। बट जब अरीना वॉर एक्चुअली में डीएलसी रिलीज हुआ जीटी ऑनलाइन में, तो सबको पता चला कि ये कितना ज़्यादा एक फ्लॉप्ड डीएलसी था, बिकॉज इसमें जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि एक आप प्लेयर को एक जो है वो रिपीट वापस खेलने के लिए मजबूर करे, राइट। तो ये सारी चीज़ें अरीना वॉर्स से मिसिंग थी एंड यहाँ पे इसका प्राइस रेंज भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, एक्स्पेशली अगर आप बिगनर हो एंड सोच रहे हो कि भाई मैं अरीना वॉर्स खेल लूँ भाई, क्योंकि एक डीएलसी थी, राइट। बट ऐसा मत करना, अरीना वॉर्स बाय मत करना, बिकॉज ये बस आप कभी जाओगे भी नहीं वहाँ पे, अगर बाय कर भी लिया तो भी पहले एक दो दिन तीन चार दिन जाओगे एंड फिर उसके बाद जो है वो आप भूल जाओगे कि आपने अरीना वॉर बाय किया था एंड आपके पैसे ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। इसमें जो है वो एक अच्छी बात यह है कि इसमें एक बाइक आती है गार्गोइल करके, तो डेथ बाइक बन जाती है वो, साफ वो जो है वो फास्टेस्ट बाइक है पूरे जीटी ऑनलाइन में अभी तक, तो मुझे मेरे हिसाब से तो वो जो है वो अगर आपको चाहिए तो फिर आप जो है वो अरीना वॉर्स बाय कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे अरीना वॉर्स को कोई यूज़ नहीं लगता है। हाँ अरीना वॉर्स के कुछ कपड़े वपड़े हैं, बट यार मैं रिकमेंड नहीं करता, लाइक आप उनको जो है वो पैसों से भी अनलॉक कर सकते हो अगर आप लाइक, वो काफ़ी ज़्यादा आपको चीप ऑप्शन पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू बाइंग एन अरीना वॉर एज अ प्रॉपर्टी। सो मैं रिकमेंड नहीं करता कि अरीना वॉर आप एज अ प्रॉपर्टी ले लो, बिकॉज यार वही है वापस से, काफ़ी ज़्यादा घटिया प्रॉपर्टी है, ना इसमें से कुछ आउटपुट है, ना ये किसी बिजनेस से लिंक्ड है, ना ये आपको पैसे कमा के देगी। मे बी रेसेस एक दो इसमें अच्छे हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं है, बस यही एक रीजन है अरीना वॉर्स का घटियापंती का, सो इससे दूर रहना, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो मोस्टली मैं रिकमेंड नहीं करता लोगों की गराजेस बाय करो, लेकिन यहाँ पे ये बिलेवॉर्ड जो एक्लिप्स बिलेवॉर्ड का जो गराज है वो मैं रिकमेंड करूंगा, बिकॉज वो 50 कार वाला गराज है। अब बात करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी से आपको दूर रहना है, वो है लो एंड एंड मीडियम वाले प्रॉपर्टी से जो कि आपको डायनेस्टी 8 में मिलेंगे, ठीक है। अब इनसे दूर क्यों रहना है, बिकॉज ये सस्ते तो आपको दिख जाएंगे कि भाई एक 100K में आपको घर मिल रहा है, 120K में आपको एक मस्त घर मिल रहा है, बट ये किसी काम के हैं नहीं एक्चुअली में, ठीक है। आप बाय तो कर लोगे बट इनका कोई यूज़ नहीं होने वाला है। आप शायद से अगर पलीटो बे में स्पॉन वॉन लेना चाहोगे तो वहाँ पे एक खरीद सकते हो, बिकॉज पलीटो बे सिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर है, सो वहाँ से अगर आपको स्पॉन लेना है, वैसे पलीटोबे में है भी नहीं कुछ स्पॉन लेने के लिए, सारी चीज़ें जो होती है वो सिटी में ही होती है, एंड अगर फिर भी अगर आपको स्पॉन लेने के लिए चाहिए तो आप पलीटोबे में एक घर खरीद सकते हो मीडियम या फिर हाई एंड वाला। बट जहाँ तक बात है गराजेस की, जो लो एंड कैटेगरी में आते हैं वो आप बिल्कुल भी बाय मत करना, बिकॉज दैट इज़ कम्प्लीट वेस्ट ऑफ मनी। एंड जहाँ तक बात है गराजेस जो बंदे बाय करते हैं वो कार स्टोरेज के लिए बाय करते हैं, तो यूजुअली आप जो प्रॉपर्टीज लेते हो जैसे कि आर्केड हो गया, ऑफिस हो गया, इनमें आपको गराजेस मिल ही जाते हैं, थोड़े से पैसे खर्च करने के बाद आपको मिल जाएंगे, राइट। तो इनसे दूर रहना। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, वो है फोर्जरीज एंड वीड। वीड फार्म मैं एक बार को रिकमेंड कर दूंगा, लेकिन डॉक्यूमेंट फोर्जरी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको बिल्कुल भी पैसे कमा के नहीं देंगी, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अपने पैसे रिकवर करने में, पहले आपको ये प्रॉपर्टी बाय करनी पड़ेगी एंड बहुत ज़्यादा महंगी है यार ये, अगर आपको जो है वो एक अच्छी लोकेशन पे इसको लेना है तो, लाइक फॉर एग्जांपल सिटी में आपको लेना है तो यार आपको ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन देने पड़ेंगे, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता। एंड अगर आपको इससे प्रॉफिट बनाना है तो आपको पहले अपग्रेड करना पड़ेगा इसको, उसके बाद जो है वो आपको सेलिंग करनी पड़ेगी एंड देन उसके बाद जो है वो मे बी आप में जो है वो प्रॉफिट होने के चांसेस है अपने पैसे निकलवाने के, बहुत ज़्यादा आपको जो है वो टाइम लगने वाला है। सो मैं ये दोनों प्रॉपर्टीज रिकमेंड नहीं करता। एंड यहाँ पे लास्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है सैल्वेज यार्ड। अब सैल्वेज यार्ड रिसेंटली ही ऐड हुआ था जीटी ऑनलाइन में एंड सैल्वेज यार्ड के साथ टो ट्रक सर्विस एंड यहाँ पे कुछ कार्स जो है वो आप रॉब कर सकते हो जिससे कि आप पैसे कमा सकते हो, राइट। मैंने इस पे लाइव स्ट्रीम भी की थी एंड जहाँ तक ये डीएलसी की बात है तो मुझे ये ओके सी लगी थी, बिकॉज इसमें जो है वो लाइक
व्हीकल थेफ्ट का जो ऑप्शन है वो आपको ऑफिस में भी मिलता है, राइट। ऑफिस में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे दो टाइप के आपको मिशंस मिलते हैं, एक है क्रेट वाला मिशन एंड एक है कार सेलिंग वाला मिशन, जो कि आप चुरा के लेके आते हो, उसको मॉडिफाई करते हो एंड देन सेल कर देते हो। सेम वैसा ही है यहाँ पर, बट इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट है। ये बात मुझे अच्छी लगी कि ये जो है वो बढ़िया है थोड़ा सा, बट अगर आप जो है वो इसको एज अ लाइक बिगनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो मत लेना भाई, बहुत ज़्यादा महंगा है। 3 मिलियन, मोस्टली 3 मिलियन से ऊपर ही आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने वाली है, सैलवेज यार्ड एंड ये सारी चीज़ें। आप जो है वो उसके अंदर एक कोसाट का बाय कर लो, कोसाट का को अपग्रेड कर लो, उसमें आप ज़्यादा पैसे कमाओगे एंड बाद में जो है वो आप सोच सकते हो इन सारे लाइक सैलवेज यार्ड के बारे में, ठीक है। तो सैलवेज यार्ड को लेके लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है कि हम इस प्रॉपर्टी को बाय करें या नहीं। अगर आप बिगिनिंग एंड इंटरमीडिएट स्टेज में हो तो बिल्कुल बाय मत करना। अगर आपके पास बहुत पैसे आप कमा लिए हो एंड देन आपको जो है वो ये DLC, वैसे DLC काफ़ी फन है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको जो है वो सारी चीज़ें आपके पास मतलब ठीक ठाक पैसा आने के बाद, कोसाट का आपके आने के पास, रिप्ले ग्लिच विच करने के बाद, सारा कुछ सीखने के बाद आप जो है वो इसमें लाइक खेल सकते हो, बिकॉज इसमें एक्चुअली में स्किल्स लगेंगी आपकी इन मिशंस को करने के लिए एंड जो है वो सैलवेज यार्ड को अनलॉक करने के लिए। वहाँ पे जो है वो ये नहीं काम करेगा आपको, आपके रिप्ले ग्लिच हो गया, ये हो गया, ये सारी चीज़ें काम नहीं करेगी। सो यहाँ पे आपको एक्चुअल स्किल्स लगेंगी। एंड जहाँ तक बात है इसकी टो ट्रक की, तो टो ट्रक बस एक एडिशनल फीचर है इसका, गाड़ियाँ उठा के लाओ एंड वो आप गैराज में डालो, जिससे कि गाड़ियाँ को तोड़ मरोड़ के लाइक उसमें से पार्ट सैलवेज करके आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होता है। तो ये थी ये सारी प्रॉपर्टीज एंड आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो लाइक मेरे से आप जो है वो क्या बोलते हैं उसको ये कर पाओगे लाइक रिलेट कर पाओगे कि ये प्रॉपर्टीज जो है वो घटिया है, राइट। अगर आप जो है वो इस लिस्ट में कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हो तो आप जो है वो ऐड कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको ऐसी वीडियो जो है वो मिलती रहे इन द फ्यूचर। मिलते हैं गाइस आपसे अगली वीडियो में।